हेलो फ्रेंड्स, इस सेशन में मैं आपको एनिमेशन मीडिया और विजुअल इफेक्ट्स में इंडिया में क्या करियर्स अवेलेबल हैं उसके बारे में बताऊंगा। हमें ऐसे बहुत सारे दोस्तों के मैसेजेस आते हैं जिसमें वो जानना चाहते हैं कि मीडिया और एनिमेशन का स्कोप इंडिया में क्या है, कैसी जॉब्स इसमें अवेलेबल हैं, इस सेक्टर का फ्यूचर कैसा है और कैसे इस सेक्टर में आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। तो वेदा कॉलेज की तरफ से, पीए इनामदार कॉलेज ऑफ विजुअल इफेक्ट डिज़ाइन एंड आर्ट की तरफ से आपको आज एनिमेशन विजुअल इफेक्ट्स के करियर के बारे में हम यहाँ पे बताने जा रहे हैं। दोस्तों, एनिमेशन और मीडिया के बारे में कोई भी स्टैटिस्टिक्स अगर हम चाहते हैं कि हमें मिले तो सबसे ऑथेंटिक सोर्स जो है वो नेस्कॉम है। आप नेस्कॉम की वेबसाइट पे अगर जाके देखेंगे एनिमेशन और मीडिया का मार्केट, तो वहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है कि इंडिया में 30,000 एनिमेटर्स की डिमांड होती है एवरी ईयर। IBEF जो इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन है, उनकी वेबसाइट पे एनिमेशन और मीडिया सेक्टर के लिए लिखा हुआ है कि मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट। जितनी भी इंडस्ट्रीज अभी ग्रोथ कर रही है, जिसमें टेलीकॉम इंडस्ट्री हो सकती है, मेडिसिन की इंडस्ट्री हो सकती है, एजुकेशन इंडस्ट्री हो सकती है, उन सब में मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्रीज में काउंट की गई है। जब भी कोई इंडस्ट्री फास्टेस्ट ग्रोइंग होती है तो ज़्यादा से ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज उस इंडस्ट्री में क्रिएट होती है, और उन लोगों के लिए ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जो कि अपने आप को मीडिया और एनिमेशन करियर के लिए सुटेबल पाते हैं। लाइव मिंट एक वेबसाइट है जिसका URL हमने नीचे दिया हुआ है। लाइव मिंट वेबसाइट पे ये बात क्लियरली मेंशन है कि इंडिया मीडिया इंडस्ट्री लाइकली टू टच 2.26 trillion dollars बाय 2020। 2020 बहुत करीब है, 2018 इस वक्त चल रहा है। आप ये देखेंगे कि मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की जो ग्रोथ पहली स्लाइड्स में हमने देखी, वो ग्रोथ 2.26 trillion dollar के बराबर हो सकती है। मतलब इंडिया में विजुअल इफेक्ट्स, मीडिया, एंटरटेनमेंट के लिए बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होने वाली हैं। कुछ और स्टैटिस्टिक्स हम आपको बताते हैं। फिक्की जो है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, NPWC की कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं जिसमें वो कहते हैं कि इंडियन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जूमिंग अहेड, करंट मार्केट साइज इज एस्टिमेटेड टू 61,000 करोड़ रुपीज, एक्सपेक्टेड टू रीच टू 1,05,200 करोड़ रुपीज विद अ CAGR ऑफ 19%। 19% का CAGR अपने आप में बहुत अच्छा CAGR होता है। मैक्सिमम ग्रोथ एक्सपेक्टेड टू टेलीविजन एंड फिल्म इंडस्ट्री सेगमेंट इज मोर देन 300 नेशनल एंड रीजनल TV चैनल्स आर अवेलेबल इन इंडिया। आप भी देखते होंगे कि पहले सिर्फ एक दूरदर्शन पे प्रोग्राम आते थे, एनिमेशन आता था, लेकिन अब एनिमेशन को 24/7 सर्व करने वाले बहुत सारे चैनल्स हो गए हैं। और विजुअल इफेक्ट्स की बात करें तो आजकल सीरियल्स में भी, खासकर रिलीजियस सीरियल्स में आप देखेंगे या हिस्टोरिकल सीरियल्स में देखेंगे, तो विजुअल इफेक्ट जो है उसमें भी बड़े पैमाने पे यूज किया जा रहा है। क्लोज टू 1,000 फिल्म्स मेड एवरी ईयर, हिंदुस्तान में 1,000 से भी ज़्यादा फिल्म हर साल बनती है। बॉलीवुड की बात करें और रीजनल फिल्म इंडस्ट्रीज की बात करें तो ये संख्या और ज़्यादा हो सकती है। इस फिगर को आप ध्यान से देखिए, 2011 के अंदर इंडियन एनिमेशन सर्विसेज का जो CAGR था वो 4% की रेट से था, और ये जो आप लेफ्ट साइड में देख रहे हैं स्टेटिस्टिक्स 0 से लेकर 25 तक, ये बिलियन डॉलर के फिगर्स हैं। और 2015 में वही पोस्ट प्रोडक्शन बढ़ के 14% की ग्रोथ पे आया। तो आप ये देख सकते हैं कि 2011 से 2015, मतलब सिर्फ 4 साल के अंदर 4% का जो CAGR रिपोर्ट थी वो बढ़ के 14% हो चुकी है। मतलब 10% की ग्रोथ सिर्फ 4 साल में अचीव की है। इससे हम अंदाज लगा सकते हैं कि आगे आने वाले दिनों में इसका जो ग्रोथ रेट है वो क्या होने वाला है। क्रिएटिव स्टूडेंट, जिनके अंदर कुछ क्रिएटिविटी है, टैलेंट है, उनके लिए इस फील्ड में अपॉर्चुनिटीज के रास्ते हमेशा खुले हुए हैं। वो स्टूडेंट जो कि अपने आप को इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन और क्रिएटिविटी के ज़्यादा करीब पाते हैं, वो सारे लोग एनिमेशन, मीडिया, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वेब डिज़ाइनिंग और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अंदर अपना अच्छा फ्यूचर तलाश कर सकते हैं। वीडियो गेम इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें 4 साल के बच्चे से लेकर 60 साल के बूढ़े तक सभी लोग वीडियो गेम्स खेलते हैं। वीडियो गेम इंडस्ट्री की लोएस्ट सैलरी की अगर हम बात करें तो ये 30 लाख रुपीज़ पर एनम तक होती है इंडिया में।
और ये जो आपको यहाँ पर ग्राफ दिख रहा है जिसमें डॉलर्स में हमने सैलरी बताई है, उसमें तीन सेगमेंट्स आप देख सकते हैं कि अंडर 3 ईयर एक्सपीरियंस जिस बंदे को है उसको समवेयर बिटवीन 45,000 to 60,000 डॉलर्स पर एनम, 3 to 6 ईयर एक्सपीरियंस वाला जो बंदा है उसको 60,000 से 80,000 का कैप है, और 6+ ईयर जिन लोगों का एक्सपीरियंस है उनकी जो सैलरी है वो क्लोज टू 1 लाख डॉलर to 1,20,000 डॉलर्स तक भी टच करती है। इसके अलावा भी फ्रीलांसिंग के बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अब इंडियन एंड वर्ल्ड वाइड जाइंट्स की बात करें जो इंडिया में आउटसोर्स करते हैं अपना काम, तो उसमें आप देखेंगे सोनी पिक्चर्स, ईए स्पोर्ट्स, ड्रीम वर्क्स, पैरामाउंट पिक्चर्स, वॉल्ट डिज्नी पिक्चर्स। इंडियन एनिमेशन स्टूडियोज की बात करें तो उसमें टाटा एलेक्सी, रिलायंस मीडिया वर्क, यशराज फिल्म्स, यूटीवी पिक्चर्स, ऐसी बहुत सारे एनिमेशन स्टूडियो हैं। एक मोटे मोटे स्टैटिस्टिक्स के लिए हम कह सकते हैं कि 512 से ज़्यादा टॉप एनिमेशन स्टूडियोज इंडिया में अवेलेबल हैं, अलग अलग सिटीज़ में अवेलेबल हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा स्टूडियोज हैं वो पुणे, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलोर, दिल्ली, इस तरह की मेट्रो सिटीज़ में अवेलेबल है। तो अभी आप लोगों ने देखा कि मीडिया और एनिमेशन इंडस्ट्री के अंदर कितनी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं। कई बार बहुत से स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन करते हैं कि सर हम मीडिया और एनिमेशन इंडस्ट्री में आने के लिए इंटरेस्टेड हैं और उसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा कौन सा कोर्स करें जो कि हमें ओवरऑल मीडिया, एनिमेशन, डिज़ाइनिंग, वेब, इन सारी सेक्टर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन दे। तो दोस्तों इसके लिए मैं आपको ये कहूँ कि हमारे देश में मीडिया और एनिमेशन इंडस्ट्री को लेके बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, शॉर्ट टर्म कोर्सेज, डिप्लोमा कोर्सेज और डिग्री कोर्सेज। लेकिन मेरी अपनी ओपिनियन ये है कि अगर आप इस इंडस्ट्री में करियर करना चाहते हैं तो आपको पहला एक ऐसा लॉन्ग टर्म कोर्स करना चाहिए जिसमें आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग से लेकर विजुअल इफेक्ट इंडस्ट्री की सारी इन्फॉर्मेशन मिले। इसके लिए आजकल बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में मीडिया ग्राफिक्स और एनिमेशन का डिग्री प्रोग्राम चलाया जा रहा है। हम लोग भी यहाँ वेदा कॉलेज में B.Sc मीडिया ग्राफिक्स और एनिमेशन का प्रोग्राम रन करते हैं। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आपको 3 साल के अंदर मीडिया ग्राफिक्स और एनिमेशन के सेक्टर के उन सारे चैनल्स के बारे में और उन सारे लेवल्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है, जो कि आपको इस इंडस्ट्री में जाने के लिए एक बड़ी फाउंडेशन प्रोवाइड करते हैं। अगर हम B.Sc मीडिया ग्राफिक्स और एनिमेशन के हाइलाइट्स की बात करें तो ये 10+2 के बाद किए जाने वाला कोर्स है जिसमें आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस तीनों स्ट्रीम से स्टूडेंट्स एडमिशन ले सकते हैं। इसकी ड्यूरेशन 36 मंथ्स है। कॉलेज में 120 सीट्स अवेलेबल हैं और एडमिशन जो है वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे दिया जाता है। इसके स्टडी मोड फुल टाइम भी है, अगर आप फुल टाइम नहीं कर सकते तो डिस्टेंस एजुकेशन के थ्रू आप पार्ट टाइम भी इसको प्रोग्राम को कर सकते हैं। इसका रजिस्ट्रेशन हर साल दिसंबर के बाद शुरू हो जाता है और जो एडमिशन पीरियड रहता है वो 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक रहता है। अगर आपका 12th का रिजल्ट आ चुका है तो आप इस प्रोग्राम के लिए इमीडिएटली अप्लाई कर सकते हैं। अगस्त के बाद में लेट फीस के थ्रू भी एडमिशन किया जा सकता है। अगर हम फर्स्ट ईयर की बात करें तो इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर एंड इंटरनेट से लेकर ड्राइंग, कलर थ्योरी, टाइपोग्राफी, अडोबी फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, क्रिएटिव राइटिंग, डेवलपिंग मल्टीमीडिया एंड एप्लीकेशन, डेवलपिंग प्रेजेंटेशंस, डिज़ाइन प्रिंसिपल्स, प्रिंट मीडिया, कोरल ड्रॉ एंड क्वार्क एक्सप्रेस, टोटल दोस्तों इसमें 12 पेपर्स आपको फर्स्ट ईयर में करने को मिलते हैं। आप देखेंगे कि फंडामेंटल्स ऑफ ग्राफिक डिज़ाइनिंग से लेकर एडवांस ग्राफिक डिज़ाइनिंग तक सब कुछ इस एक साल में कवर हो रहा है। और ये फर्स्ट ईयर कंप्लीट करने के बाद में स्टूडेंट अपने आप मैगजीन डिज़ाइन, ब्रोशर्स, फ्लैग्स, स्टिकर्स, कॉरपोरेट आइडेंटिटीज जैसी सारी चीज़ें बना सकते हैं। हमने ऐसे बहुत सारे क्रिएटिव स्टूडेंट्स को देखा है जो फर्स्ट ईयर में ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख लेने के बाद में फ्रीलांसिंग के थ्रू एक्स्ट्रा इनकम करके भी अपनी फीस भरते हैं। अगर हम सेकेंड ईयर की बात करें तो सेकेंड ईयर में वेब डिज़ाइनिंग और वीडियो प्रोडक्शन दोनों को यूनिवर्सिटी ने इंक्लूड किया है। सेमेस्टर की शुरुआत जो है वो डेवलपिंग वेब से होती है, उसके बाद में HTML, फ्लैश, कंटेंट डिजिटाइजेशन, कंटेंट ऑथरिंग थ्रू मल्टीमीडिया ड्रीम वीवर, और इस तरह से जावा स्क्रिप्ट और वीबी स्क्रिप्ट के ऊपर आकर वेब का पोर्शन कंप्लीट होता है। जो वेब डिज़ाइनिंग का मार्केट है इंडिया में, उसमें आजकल रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स की सबसे ज़्यादा डिमांड है, और ऐसे स्टूडेंट्स जिनको डिजिटल मार्केटिंग और वेब डिज़ाइनिंग दोनों आती है उनके लिए इस फील्ड में बेहतरीन करियर ऑप्शंस अवेलेबल है। जो वीडियो प्रोडक्शन में इंटरेस्टेड है उनके लिए इस ईयर में
स्टोरी बोर्डिंग, विजुअल कम्युनिकेशन, वीडियो प्रोडक्शन बेसिक्स, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग और एडवांस वीडियो इफेक्ट्स यानी आफ्टर इफेक्ट की पढ़ाई होती है। ये सारा करने के बाद में स्टूडेंट अपने आप विजुअल इफेक्ट्स इंडस्ट्री के उन फंडामेंटल्स को समझने लगता है जो कि उसके स्ट्रॉन्ग करियर फाउंडेशन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम थर्ड ईयर की बात करें तो एनिमेशन प्रिंसिपल्स के साथ में थर्ड ईयर की पढ़ाई शुरू होती है। इसमें टोटल 8 सब्जेक्ट्स हैं जिसमें एनिमेशन फंडामेंटल्स, इंट्रोडक्शन ऑफ माया, कैरेक्टर एनिमेशन, एडवांस माया, इंट्रोडक्शन ऑफ 3D मैक्स, कैरेक्टर एनिमेशन थ्रू 3D मैक्स एंड CG फिल्म मेकिंग जैसे बहुत सारे पोर्शंस पे बात होती है। जब आप फाइनल ईयर में होते हैं तब आप अपनी एक शोरील भी बनाते हैं। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव शोरील होती है जिसमें आपने अभी तक फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर में किस तरीके का काम किया उसको आप इंक्लूड करते हैं। इसके अलावा मेंटर्स आपको एक स्पेशल शोरील बनाने में मदद करते हैं क्योंकि BSc के अंदर करियर अपॉर्चुनिटीज़ हर एक फील्ड में हैं। आप डिसाइड करते हैं कि आपको इनमें से किस फील्ड में जाना है और उस फील्ड से रिलेटेड स्पेशल शोरील जो है वो फैकल्टीज के थ्रू आपकी डेवलप करवाई जाती है। करियर्स की अगर हम बात करें तो BSc प्रोग्राम करने के बाद में एक स्टूडेंट एंट्री लेवल पे ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वेब डिज़ाइनिंग, मल्टीमीडिया आर्टिस्ट, 2D एनिमेशन, 3D एनिमेशन, वेब डिज़ाइनिंग, क्लासिकल एनिमेशन, प्री प्रोडक्शन, डिजिटल आर्टिस्ट, विजुअल इफेक्ट्स आर्टिस्ट, पोस्ट प्रोडक्शन और ऑडियो वीडियो एडिटर्स के तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। इन सारी पोस्ट पे, इन सारे लेवल्स पे डिफरेंट डिफरेंट करियर अपॉर्चुनिटीज़ और सैलरी लेवल्स अवेलेबल हैं। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है इंडस्ट्री में, आपकी सैलरी भी उस हिसाब से बढ़ती जाती है। अब सवाल ये आएगा कि अगर इस प्रोग्राम को करना है तो हम वेदा कॉलेज को ही क्यों ज्वाइन करें। आइए हम समझते हैं कि वेदा कॉलेज में BSc मीडिया ग्राफिक्स एंड एनिमेशन करने के क्या एडवांटेजेस हैं। अगर वेदा कॉलेज की अचीवमेंट्स की बात करें तो ये पुणे सिटी का बिगेस्ट एनिमेशन एंड मीडिया कॉलेज है। ये अफिलिएटेड है विद यशवंतराव चौहान ओपन यूनिवर्सिटी फॉर डिग्री प्रोग्राम्स। कॉलेज 9001:2008 सर्टिफाइड है फॉर क्वालिटी मैनेजमेंट एंड एजुकेशन। हमारे पास अपना एक बहुत बड़ा बैंड है रिक्रूटमेंट पार्टनर्स का और प्लेसमेंट रेशियो जो है वो 93% से भी ज़्यादा प्लेसमेंट रेशियो रहता है कॉलेज का हर साल। कॉलेज को एनिमेशन कैटेगरी में अवार्ड मिल चुका है हायर एजुकेशन रिव्यू मैगजीन की तरफ से। कॉलेज में स्टेट ऑफ द आर्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड वर्चुअल लर्निंग इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है और कॉलेज एनिमेशन सोसाइटी ऑफ दिल्ली की तरफ से क्वालिटी एजुकेशन के लिए अप्रिशिएट भी किया जा चुका है। BSc में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए कॉलेज की तरफ से फ्री लैपटॉप एंड पेन टैबलेट्स अवेलेबल होते हैं। तो अगर आप BSc का प्रोग्राम वेदा कॉलेज से कर रहे हैं तो आपको एक हाई स्पीड लैपटॉप जो कि आपकी मल्टीमीडिया और एनिमेशन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करे वो, और एक पेन टैबलेट कॉलेज में फर्स्ट ईयर में ही दे दिया जाता है ताकि आप तीनों साल अपना मीडिया एनिमेशन की पढ़ाई और सब्जेक्ट रिलेटेड शोरील डेवलपमेंट अपने खुद के लैपटॉप पर कर सकें। दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि हायर एजुकेशन रिव्यू मैगजीन की तरफ से ये सर्टिफिकेट कॉलेज को मिला था, इट वाज अ रिकॉग्निशन बेसिकली दैट एनिमेशन कैटेगरी में PA इनामदार कॉलेज ऑफ विजुअल इफेक्ट डिज़ाइन एंड आर्ट 2016 में कॉलेज ऑफ द ईयर रिकॉग्नाइज किया गया है। कॉलेज को न्यूक सॉफ्टवेयर में बेहतरीन परफॉर्मेंस करने के लिए न्यूकर ऑफ द ईयर का भी अवार्ड मिला था। PA इनामदार कॉलेज 9001:2008 सर्टिफाइड है फॉर क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी एजुकेशन ट्रेनिंग। कॉलेज को स्टूडेंट चॉइस अवार्ड बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कैटेगरी में कॉलेज सर्च मैगजीन की तरफ से मिला है। इसके अलावा कॉलेज का जो यूनिक प्रपोजिशन है वो ये है कि कॉलेज अडोबी, ऑटोडेस्क और माइक्रोसॉफ्ट के सर्टिफिकेशन अरेंज करता है, उसकी भी ट्रेनिंग देता है। तो ऐसे स्टूडेंट जिनको BSc मीडिया ग्राफिक्स एनिमेशन के साथ साथ में इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस भी चाहिए जिससे वो अपना करियर और स्ट्रॉन्ग कर सकें, पोर्टफोलियो और ज़्यादा इम्प्रेसिव कर सकें, तो कॉलेज में ही उनके लिए अडोबी और ऑटोडेस्क सर्टिफिकेशंस अवेलेबल हैं। कैंपस के इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, वेदा कॉलेज का यूनिक इंफ्रास्ट्रक्चर आपको वो सारे लर्निंग अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल कराता है जो कि एक 21st सेंचुरी के मीडिया एनिमेशन कॉलेज में होनी चाहिए। दोस्तों, ये कॉलेज का एरियल व्यू है, इसमें आप बीच में देख सकते हैं कि कॉलेज में एक स्पोर्ट्स ग्राउंड है, उसके आसपास में जो भी बिल्डिंग्स आपको दिख रही हैं ये MC सोसाइटी के डिफरेंट कॉलेजेस हैं। इसी में कैंपस में PA नामदार कॉलेज भी सिचुएटेड है।
कॉलेज के कंप्यूटर लैब्स की कुछ फोटोग्राफ मैं आपको दिखा रहा हूँ, स्टेट ऑफ द आर्ट कंप्यूटर लैब्स हैं। हर एक स्टूडेंट को अपना एकेडमिक और अपना फीस मेंटेन करने के लिए कॉलेज की तरफ से एक ऑनलाइन पोर्टल दिया जाता है, जिसमें आप अपने एकेडमिक रिलेटेड फैसिलिटीज़ को, एग्जामिनेशन रिलेटेड फैसिलिटीज़ को और फी पेमेंट का ट्रैक रख सकते हैं। कॉलेज में स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ भी बच्चों के लिए अवेलेबल है। कैंपस में अपने कैंटीन्स हैं, स्टूडेंट लंच टाइमिंग में वहाँ जाके लंच कर सकते हैं। कॉलेज में जिमनेशियम अवेलेबल है। और ये हॉस्टल की कुछ इमेजेस हैं। अगर आप आउटसाइड पुणे से आ रहे हैं कोर्स करने के लिए, तो आप कैंपस में रह के अपना कोर्स पूरा कर सकते हैं। हमारे पास में गर्ल्स और बॉयज़ के लिए सेपरेट हॉस्टल्स अवेलेबल हैं। ये कैंपस के अंदर की कुछ स्टूडेंट रिक्रिएशन फैसिलिटीज़ हैं। कॉलेज का अपना एक VFX स्टूडियो है, जहाँ पर आप ब्लू क्रोमा, ग्रीन क्रोमा, वाइट क्रोमा प्लस विजुअल इफेक्ट्स एंड फोटोग्राफी से रिलेटेड बहुत सारे असाइनमेंट्स कर सकते हैं। कॉलेज का अपना एक रीडिंग रूम है, जहाँ पर स्टूडेंट जाके अपनी बुक्स को आराम से पढ़ सकते हैं। कैंपस में एम्बुलेंस और मेडिकल फैसिलिटीज़ स्टूडेंट्स के लिए और स्टाफ के लिए अवेलेबल है। कॉलेज अलग अलग कल्चरल फेस्ट और एजुकेशन फेस्ट करवाता है, जिसमें लेटेस्ट IT और एनिमेशन और मीडिया में कौन सी टेक्नोलॉजीज चल रही हैं उसकी इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट्स को दी जाती है। कॉलेज में बच्चों के लिए एनुअल प्रोग्राम्स होते हैं, जिसमें हम बच्चों को उनके क्रिएटिव टैलेंट को फॉस्टर करने के लिए प्रमोट करते हैं। कॉलेज में हर साल एजुकेशन टूर ऑर्गेनाइज होते हैं। पिछले साल हम लोग कुल्लू मनाली और शिमला की ट्रिप पे स्टूडेंट्स के साथ गए थे, उसके पहले हम राजस्थान की ट्रिप पे गए थे। वेदा में ये कोर्स करने के एडवांटेजेस क्या हैं? दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आप ये कोर्स करते हैं, तो अपार्ट फ्रॉम दी सब्जेक्ट बेस्ड लर्निंग, आपको इन सारे सब्जेक्ट की एडिशनल लर्निंग भी करवाई जाती है, जिसमें स्केचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है मीडिया और एनिमेशन में आने के लिए। जिन बच्चों की भी ड्राइंग वीक है, जब वे कॉलेज में आते हैं, उनको स्केचिंग के मॉड्यूल में ट्रेनिंग मिलती है, तो विद इन 2-3 मंथ्स उनकी जो स्केचिंग की कैपेबिलिटीज़ हैं वो इंक्रीज़ हो जाती हैं। वो अपने थॉट प्रोसेस को पेपर पर बड़ी आसानी से उतार सकते हैं। उसके अलावा स्टोरी बोर्डिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, फोटोग्राफी और भी कई एडिशनल वर्कशॉप्स हम कॉलेज में स्टूडेंट्स के लिए करवाते हैं, जिससे कि मीडिया, एनिमेशन और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के आसपास भी जो डोमेन एरियाज अवेलेबल हैं, उसकी भी इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स को मिल सके। दोस्तों, आप बात करते हैं हमारे स्टूडेंट की सक्सेस स्टोरीज की। डॉक्टर स्ट्रेन, GI Joe, ऐसी कुछ मूवीज़ हैं जिसमें हमारे स्टूडेंट्स ने विजुअल इफेक्ट्स किया। इसके अलावा गॉडज़िला, जॉन कार्टर, एवेंजर्स जैसी मूवीज़ में भी हमारे स्टूडेंट्स काम कर चुके हैं। ये सारी एनिमेशन और विजुअल इफेक्ट्स मूवीज़ के अंदर जब स्टूडेंट काम करते हैं, तो जो BSc मीडिया ग्राफिक्स और एनिमेशन में उन्होंने विजुअल इफेक्ट्स के बारे में पढ़ा, सीखा और समझा है, या एनिमेशन के जो फंडामेंटल्स उन्होंने क्लियर किए हैं, ये बेसिक लर्निंग और ये डिग्री उनको हेल्प करती है। इंडियन मूवीज की बात करें, तो जो प्रोमिनेंट मूवीज हैं, जिसमें दंगल, रईस, पद्मावत, फिरंगी, हैदर, टॉयलेट, ऐसी सारी मूवीज के अंदर स्टूडेंट्स ने काम किया है। विजुअल इफेक्ट्स और एनिमेशन के लिए PA इनामदार कॉलेज की अपनी USP यह है कि हम स्टूडेंट को सॉफ्टवेयर बेस्ड नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी देते हैं, जिसमें स्टूडेंट फोटोग्राफी के फंडामेंटल सीखता है। आउटडोर्स पे जाने के बाद में वो वीडियो शूट्स करते हैं, नेचुरल लाइटिंग के साथ में उनको काम करने की ट्रेनिंग दी जाती है, और उसके बाद में इन सारी फुटेजेस को लाके एडिट कैसे करना है, कंपोजिट कैसे करना है, इसके बारे में स्पेशल मॉड्यूल्स फैकल्टी के थ्रू स्टूडेंट्स को सिखाए जाते हैं। अगर आपको BSc एनिमेशन से रिलेटेड किसी भी प्रकार की और कोई इंक्वायरी करनी है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट लिख सकते हैं, या फिर कॉलेज को इन फ़ोन नंबर्स पे या इस ईमेल पर आप मेल भी कर सकते हैं। कोर्सेज की ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेने के लिए या फी स्ट्रक्चर को देखने के लिए आप कॉलेज की वेबसाइट www.veda-edu.com पर भी जा सकते हैं। तो हम आशा करते हैं कि आपको मीडिया, एनिमेशन और ग्राफिक डिज़ाइनिंग से रिलेटेड करियर अपॉर्चुनिटीज़ की, कोर्सेज की सारी इन्फॉर्मेशन इस प्रेजेंटेशन के थ्रू मिल गई होगी। हमें आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। थैंक यू।